जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा था पुरस्कार। पुरस्कार के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को, इसके बाद हमने पढ़ा था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यास सम्मान को। व्यास सम्मान के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, और ये कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, और इसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, और अभी तक किन किन लोगों को दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। आप लोगों का एक भी क्वेश्चन पुरस्कार चैप्टर से गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। साथियों शुरू करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। इसको किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। और देखो साइड में आप लोगों को एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इस इमेज में एक अवार्ड है, ये वाला, ये अवार्ड आप लोगों को दिया जाता है जब आप लोगों को व्यास सम्मान दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यही आप लोगों का व्यास सम्मान का अवार्ड है। और देखो साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा अगर सबसे बड़ा कोई साहित्य सम्मान है तो वो है आपका व्यास सम्मान। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, और ये सिर्फ हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है? 4 लाख रुपए है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों के लिए जानने वाली बात है वो है कि 10 वर्षों के साहित्य के लिए दिया जाता है, मतलब 10 वर्ष में जो फेमस कृतियाँ होंगी उनको देखकर आपको इस साहित्य सम्मान को दिया जाता है। अब साथियों हम देख लेते हैं कि किस व्यक्ति को ये पुरस्कार सबसे पहली बार दिया गया था। देखो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1991 में ही इसको दिया गया था राम विलास शर्मा जी को। किसको दिया गया था? राम विलास शर्मा जी को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे? तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये जो आपको भारत दिखाई दे रहा है, इस भारत का नाम कैसे पड़ा था? जो हमारा इंडिया है उसका नाम भारत कैसे पड़ा? भरत के नाम पर पड़ा था। और भरत किसके भाई थे? तो ये थे राम जी के भाई। तो देखो राम जी के भाई थे, तो आप लोग ऐसे याद रखना कि राम विलास शर्मा में आप लोगों को राम दिखाई दे रहा है, इस राम से इस भरत को रिलेट कर दो, ठीक है। तो आप लोगों को ये आराम से याद हो जाएगा, भरत किसके भाई थे? राम के भाई थे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो वो है 1992 का, जो कि दिया गया था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को, ठीक है। और किसके लिए दिया गया था? तो इनका एक उपन्यास था नीला चांद, इसके लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे? तो देखो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह में आप लोगों को शिव दिखाई दे रहा है, इस शिव से इसको रिलेट कर दो चांद को, क्योंकि शिव जी के सिर पर क्या होता है? चांद होता है, चंद्रमा होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप लोग याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। इनको साथियों आप लोग ऐसी छोटी छोटी ट्रिक को बनाकर याद कर सकते हैं, तो आप लोग अपनी छोटी छोटी ट्रिक बनाइए जिससे आप लोगों को आसानी से याद हो सके। अब साथियों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है 1994 का, जो कि दिया गया था धर्मवीर भारती को। आप लोगों ने कभी ना कभी इनका नाम जरूर सुना होगा। इनको व्यास सम्मान दिया गया था सपना अभी भी, इस काव्य के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। इसके बाद साथियों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है 1999 का, जो कि दिया गया था श्रीलाल शुक्ल को। किसके लिए दिया गया? तो ये दिया गया था विश्रामपुर का संत के लिए, ये इनका फेमस उपन्यास था, इसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। इसके बाद साथियों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 2003 का, जो कि दिया गया था चित्रा मुद्गल को। किसके लिए दिया गया? तो ये दिया गया था आवा उपन्यास के लिए, ठीक है। किसके लिए दिया गया था? आवा उपन्यास के लिए। कब दिया गया? 2003 में। इसके बाद साथियों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 2004 का,
जो कि दिया गया था मृदुला गर्ग को। किसके लिए दिया गया? तो ये दिया गया था कठ गुलाम के लिए। ये भी इनका एक फेमस उपन्यास है जिसके लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। इसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है 2007 का, जो कि दिया गया था कृष्णा सोबती को। किसके लिए दिया गया? तो ये दिया गया था समय सरगम उपन्यास के लिए। ये एक फेमस उपन्यास है कृष्णा सोबती जी का, जिसके लिए 2007 में इनको व्यास सम्मान दिया गया था। साथियों, इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो देखो, आप इसको ऐसे याद रखना कि कृष्णा से याद कर लेना कृष्ण, ठीक है। और कृष्ण जी किसको कंट्रोल करते हैं? तो समय को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? समय को कंट्रोल करते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो साथियों इम्पोर्टेंट है वो है 2008 का, जो कि दिया गया मन्नू भंडारी को। किसके लिए दिया गया? तो ये दिया गया था एक कहानी यह भी। यह एक आत्मकथा है जिसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला था 2008 में, ठीक है। इसके बाद साथियों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है आपका 2011 का, जो कि दिया गया था रामदरस मिश्रा जी को। किसके लिए दिया गया? तो ये दिया गया था आम के पत्ते के लिए। ये इनकी एक फेमस रचना है जिसके लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। जितने भी साहित्यकार और उनकी रचनाओं को मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, वो सभी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनके आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है, और उन नोट्सों को अच्छे से रिवाइज करना। इसके बाद साथियों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है 2012 का, जो कि दिया गया था नरेंद्र कोहली को। किसके लिए दिया गया? तो ये दिया गया था ना भूतो ना भविष्यति। ये इनका एक फेमस उपन्यास था जिसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। इसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है 2014 का, जो कि दिया गया था कमल किशोर गोयनका जी को। किसके लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। इसके लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद साथियों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है 2015 का, जो कि दिया गया था सुनीता जैन को। किसके लिए दिया गया? तो ये दिया गया था क्षमा के लिए। ये इनकी एक प्रमुख रचना है जिसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। 2014 से लेकर 2022 तक जितने भी लोगों को व्यास सम्मान मिला है वो सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है 2016 का, जो कि दिया गया था सुरेंद्र वर्मा जी को। किसके लिए दिया गया? काटना समी का वृक्ष पद पंखुड़ी की धार से। इसके लिए साथियों इनको व्यास सम्मान दिया गया था। इसके बाद साथियों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है 2017 का, जो कि दिया गया था ममता कालिया जी को। किसके लिए? दुखम सुखम के लिए। ये इनकी फेमस रचना थी, इसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। इसके बाद साथियों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है 2018 का, जो कि दिया गया था लीलाधर जुगड़ी को। किसके लिए? जितने लोग उतने प्रेम। इसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। इसके बाद साथियों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है 2019 का, जो कि दिया गया नासरा शर्मा जी को। किसके लिए? कागज की नाव के लिए। ये इनकी एक प्रमुख रचना है जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला था। इसके बाद साथियों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 2020 का, जो कि दिया गया था शरद पगारे को, ठीक है। किसके लिए दिया गया? तो ये दिया गया था पाटलिपुत्र की सामग्री। ये इनका एक फेमस उपन्यास है जिसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। इसके बाद साथियों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 2021 का, जो कि दिया गया था असगर वजाहत जी को, जो कि हमारे रहने वाले हैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश के। इनको किस रचना के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था महावली के लिए, जो कि इनका फेमस नाटक है। इसके बाद साथियों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है 2022 का, जो कि दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी जी को। किसके लिए दिया गया? पागन खाना उपन्यास के लिए, ठीक है। ये इनका बहुत ही फेमस उपन्यास है जिसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। देखो साथियों, 2021 और 2022
ये दोनों हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसके आगे आप लिख लेना वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ये आप लोगों से 100% नहीं 200% एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इन दोनों को आप लोग याद रखना, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ हमारा व्यास सम्मान समाप्त हो चुका है, अब आप लोगों का एक भी क्वेश्चन व्यास सम्मान से गलत नहीं होगा। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।